मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निशाने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आ गए हैं। जी हां, एमपी की सियासत में जहां एक और दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी हैं, लेकिन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के टारगेट पर तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ही हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दिनों लगातार उनके जो बयान हैं तल्ख तेवर हैं, वो शिवराज मामा के खिलाफ ही नजर आ रहे हैं। पीसीसी चीफ का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान 99% झूठ बोलते हैं और वो नकली किसान हैं, जबकि असली किसान जीतू पटवारी खुद को बताते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों की वेदना को लेकर, किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने का वक्त भी मांगा है। देखने वाली बात यह होगी कि बुधनी से बाहुबली की लड़ाई लड़ रहे जीतू पटवारी क्या वाकई में इस उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान के तमाम लोकप्रिय चेहरे को टक्कर दे पाते हैं और इस उपचुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी का कमबैक करा पाते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के टारगेट पर आने के बाद जीतू पटवारी जरूर अब कांग्रेस में सियासी ऑक्सीजन भरने में पूरा जोर लगाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इतना ही, क्योंकि आप देख रहे हैं एमपी न्यूज टीवी पर शॉर्टकट पॉलिटिक्स।